और इसरार दुनिया के साथियों, आज की पेश करदा वीडियो उस आम तरीन इजाद के बारे में है जिसने इस वसीय अरीज दुनिया को एक ग्लोबल विलेज की शक्ल दे दी है। हमारी मुराद है कंप्यूटर और इसकी इस्तेदाद में रुकावट पैदा करने वाली मौलिक तरीन बीमारी यानी वायरस। मोजेस नाजरीन, कंप्यूटर की दुनिया जो कि आज ना सिर्फ आम आदमी को जदीद दुनिया का साथ देने बल्कि दुनिया के हर छोटे बड़े मुल्क के निजाम और इदारों के चलाने के लिए जिंदगी का एक लाजमी जुज्व बन चुका है, के लिए वायरस की आमद किसी डरावने ख्वाब से कम किसी तरह नहीं। हमारा आज का मौजू यही खौफनाक बला यानी वायरस है। ये किस तरह कंप्यूटर के निजाम पर असरअंदाज होता है और इसकी इब्तदा कहां से हुई? वायरस की इब्तदा और इसके खालिक। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि बड़े बड़े मुल्कों की नींदें तक हराम कर देने वाले इस जरासीम की तखलीक का सेहरा पंजाब के दिल लाहौर के रिहायशी दो भाइयों यानी बासित फारूक अलवी और अमजद फारूक अलवी के सर है, जिन्होंने 1986 में अपने एक मेडिकल सॉफ्टवेयर और इसकी कॉपीराइट के तहफ्फुज के लिए इसको इजाद किया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी यूरोपीय दुनिया में फैल गया। याद रहे कि अलवी ब्रादरान का मकसद, जैसा कि उन्होंने अपनी इस इजाद के दुनिया पर मुनकशिफ होने के बाद एक इंटरव्यू में बताया, कि ये महज उनके सॉफ्टवेयर और कॉपीराइट का तहफ्फुज था, ना कि इसके कोई मनफी मकासिद थे। लेकिन आगे चलकर इसकी तरक्की याफ्ता शक्ल ने बड़ी बड़ी सुपर पावर्स तक को हिला कर रख दिया। अलवी ब्रादरान का इजाद करदा ये वायरस, जिसको ब्रेन का नाम दिया गया, के यूरोप में फैलने के बाद जब इसको डी कोड किया गया तो इसमें चूंकि उन दोनों भाइयों के फोन नंबर्स और एड्रेस तक मौजूद था, को अमरीका, बर्तानिया और दुनिया के कई दीगर ममालिक से इस कदर टेलीफोन कॉल्स आना शुरू हुई कि फोन लाइनें तक ओवरलोड हो गईं। और फिर इसके 25 साल बाद एक यूरोपीय रिसर्चर माइको हाइपोनेन ने पाकिस्तान आकर इन दोनों भाइयों से राबते के बाद बाकायदा इंटरव्यू करते हुए एक डॉक्यूमेंट्री तरतीब दी, जिसमें उन्होंने इसकी जरूरत और मकासिद के बारे में खुलकर वजाहत की। कंप्यूटर और मोबाइल पर वायरस के असरात। ये एक आम तरीन मौजू है जिसके जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि वायरस की जदीद शक्ल की बदौलत कंप्यूटर यूजर्स, ख्वा वो आम आदमी हो, इदारे या मुल्क हो, उनके लिए क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। किसी भी इदारे या फर्द के नजदीक उसके कंप्यूटर या मोबाइल में मौजूद डेटा ही उसका सरमाया होता है, जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर्स, बैंक अकाउंट्स, पासवर्ड्स, हत्ता के उसकी प्राइवेट जिंदगी के मुख्तलिफ गोशे और तस्वीर तक रसाई हासिल की जा सकती है। इदारों के निजाम को मफलूज करना। वायरस ने उस वक्त कंप्यूटर की दुनिया में एक खौफनाक बला की हैसियत इख्तियार कर ली जब इसकी मदद से कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को खोखला करके हैकर्स की मदद से इसके निजाम पर हमला करते हुए इसकी कमांड को अपने हाथों में ले लिया गया। ये इस कदर खौफनाक अमल था जिसने बड़ी बड़ी ताकतों के सिस्टम को महदूद मुद्दत के लिए मफलूज करके रख दिया। मुल्कों की प्राइवेसी हर मुल्क और कौम की बका की जामिन होती है, लेकिन वायरस की बदौलत हैकर हजरात ने जासूसी के निजाम को भी बहुत ज्यादा तकवीयत दी, जिसकी वजह से मुखालफीन के बड़े बड़े राज तश्ते अजबाम होकर रह गए। जबकि इसका मस्बत पहलू ये भी है कि मार्केटिंग की दुनिया को इसी जासूसी वायरस ने बे इंतहा ताकतवर बना दिया।
एक और इल्जाम जो कि एंटीवायरस बनाने वाली कंपनियों पर लगाया जाता है, ये है कि ये कंपनियां अपने नए सॉफ्टवेयर्स को दुनिया में मुतारिफ करवाने के लिए पहले ऐसा वायरस भेजती हैं ताकि कंप्यूटर निजाम मुतासिर हो और उनके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की मार्केट में जगह बन सके। जबकि अपनी कारोबारी हरीफ कंपनियों के सॉफ्टवेयर्स को मुतासिर करने के लिए भी बाज घटिया कंपनियां ऐसे ही वायरस का सहारा लेती हैं। नाज़रीन मोहतरम, वायरस यानी जरासीम की फितरत ही यही है कि वो खा किसी जानदार में हो या कंप्यूटर और मोबाइल में, वो इसे इसकी फितरत के मुताबिक काम करने से रोकता है, जो कि एक मनफी अमल है। उम्मीद है आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप भी कभी इस मूजी जरासीम से मुतासिर हुए हैं तो अपनी कहानी हमारे साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकॉन जरूर दबाएं।